أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقائم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا یہ سلسلہ ولا و ولی و ولایت کی چھٹی تقریر ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک اہم بات کی طرف توجہ آپ کی ضروری ہے, وہ یہ کہ ہماری عملی زندگی میں ہمارے صبح و شام جس معاشرے میں گزر رہے ہیں وہاں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہر روز کسی نہ کسی چیز کے متعلق ایک نئی تحقیق ہم تک پہنچتی ہے کہ اس مسئلے میں یہ تحقیق ہوئی یا اس چیز کے متعلق یہ انکشاف ہوا. اطباء ہمیشہ اعلان کرتے جاتے ہیں کہ آج ہم نے اس پھل کے متعلق یا اس پودے کے متعلق یا اس بوٹی کے متعلق نئی تحقیق کی ہے اور اس کے نئے خواص معلوم ہوئے ہیں. علم حیات کے جاننے والے وہ قرات سماوی اور قرائے عرض کے متعلق نئی تحقیقیں پیش کر رہے ہیں کہ اب ہمارے معلومات میں یہ اضافہ ہوا. ہزاروں برس گزر گئے, چیزیں وہی ہیں, اسی طرح سے آفتاب طلوع ہوتا ہے, اسی طرح سے آفتاب غروب ہوتا ہے, اسی طرح سے تارے نکلتے ہیں, اسی طرح سے تارے جھل ملا جاتے ہیں, اسی طرح سے چاند نکلتا ہے, اسی طرح سے چاند ڈوب جاتا ہے, اور وہی موسم ہیں, وہی تغیرات ہیں, وہی لیل و نہار ہیں, وہی جڑی بوٹیاں ہیں, وہی میووں کے درخت ہیں. مگر یہ کہ جب دیکھیے تحقیق نئی ہے, چیزیں نہیں بدلتی, معلومات بدلتے ہیں. اس کے معنی یہ کہ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے اشیاء پر سے پردے اٹھتے جاتے ہیں.
हकीकतें और ज्यादा वाज़ह होती जाती हैं। और ये कहा जाता है कि अब हमने इस मसले को यूं समझा, यानी एक मामूली सी चीज जिसको जाहिर है कि कोई खास तकरीर से लगाओ नहीं, मगर सिलसिले कलाम है। वो हजरत मूसा की उम्मत ने यह ख्वाहिश की थी कि मनो सलवा से बेजार हो गए, अब हमको प्याज मूली तरकारी चाहिए। तो आवाज भी ये आई थी कि अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, क्या आला को छोड़ के अदना की तरफ जाओगे, क्या अच्छी चीज को छोड़ के बुरी चीज की तरफ जाओगे। बहरहाल प्याज के मुतालिक गुफ्तगू कुरान ने की। आज आपको ताज्जुब होगा कि अमेरिका के बड़े बड़े मुहक्किकीन इसी एक चीज के मुतालिक तहकीक कर रहे हैं कि इंसान के मैदे का क्या ताल्लुक है प्याज से। हर रोज एक नई तहकीक, बिल्कुल इसी तरह लहसुन के मुतालिक तहकीक हो रही है आज आज इस दुनिया में। यानी ये हजारों बरस पहले इंसान इससे वाकिफ था, अपनी गिज़ा में उसको उसने शामिल कर लिया था, आज तहकीक हो रही है कि खून के सैलान पर और खून के दौरान पर लहसुन का क्या असर है। यानी ऐसा मालूम होता है कि चीज़ें नहीं बदलती, कुदरत के कारखाने में निगाह तहकीक बदल जाती है और इंसान ऐसा महसूस करता है कि अब हमारे मालूमात में और इजाफा हुआ। तो पता चला कि शय अपने मकाम पर है मगर बातिन दर बातिन दर बातिन इतने हजार बातिन है कि पर्दे पर पर्दा उठाया जा रहा है और फिर एक नई हकीकत सामने आ रही है। तो प्याज और लहसुन की हकीकतों को दुनिया अब तक न जान सकी, तो विलायत उज़्मा की हकीकत को दुनिया क्या पहचान। इंसान कामिल की हकीकत को दुनिया क्या पहचाने, वही इंसान है। बरसों सदियों हजारों बरस गुजर गए, वही उसका नक्शा है, वही उसके तेवर हैं, वही उसकी जिस्म की साख्त है, वही उसका कद है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया इतनी सदियां गुजरने के बाद भी। मगर उसकी गहराइयों में गौर करते 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 अभी 200-250 बरस भी नहीं गुजरे, ये इल्म नफ्सियात की ईजाद हुई। इल्म नफ्सियात कोई पुराना इल्म नहीं है, जदीद इल्म है साइकोलॉजी के। इंसान के मुतालिक ये बतलाया जाए कि इंसान के अंदरूनी गहराइयों का क्या हाल है। यानी फिजियोलॉजी नहीं है, यानी जिस्म की साख्त से बहस नहीं करते नफ्सियात में, बल्कि नफ्सियात में नफसी कैफियतों की बहस करते हैं कि इसके तहत शऊर में क्या है, इसकी फिक्र किधर जा रही है, इसके कैफियात बातिनी क्या हैं। ये इल्म ताज़ा ताज़ा आया है, अब इसमें PhD दे रहे हैं, अभी इसमें जदीद तहकीकें हो रही हैं। तो अभी ये खुला नहीं है पूरे तौर पर, जितनी किताबें लिखी गई हैं सब के आखिर में यही लिखा है कि ये इन मेकिंग है, इन प्रोसेस है, यह बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए अभी हम नहीं बतला सकते कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, मगर आपको ताज्जुब होगा कि जिस इंसान को देखते देखते ज़िंदगी गुजरी, अब उस इंसान के मुतालिक खुद ये तहकीक शुरू हो गई है कि इसके बातिन में क्या है, इसके बातिन में क्या है। तो मैं जैसे कि अपनी तकरीरों में रात की अर्ज कर रहा हूँ कि जाहिर से गुजर के बातिन तक आना, फिर बातिन से गुजर के किसी और बातिन तक जाना, फिर पर्दे को उठाना, फिर किसी और बातिन तक जाना, ये मुसलसल इत्तेसाल इंसान का गैब से इस हकीकत को वाज़ह करता है कि हम एक कायनात अकबर से वाबस्ता हैं, हमारा ताल्लुक एक आलम अकबर से है। और इस तरह से हम अपने आप को मुख्तसर
और एक महदूद वक्त में मुकय्यद नहीं करते, बल्कि अगर जाहिर में हमको एक महदूद ज़माना मिला है मगर एक सिलसिले लामुतनाही से हमारा ताल्लुक है और माजी से हम वाबस्ता हैं, मुस्तकबल से हम पैवस्ता हैं, हाल से हम गुजर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इंसान का बातिन से ताल्लुक है, इंसान का बातिन से ताल्लुक है। और फिर आपको ताज्जुब होगा कि इसी माहिरा ने इल्मुन नफ्स ने यह तय किया कि बहुत सी बातें इंसान छिपाता है, छिपाता है कि अगर खुद उसको पता न चले क्या चीज छिपी है तो उसके मुताबिक इन्होंने यह तय कर लिया कि यहां से बीमारियां पैदा होती हैं, यहां से बीमारियां पैदा होती हैं, इंसान अमराज में मुब्तला हो जाता है और वो उसके लिए उन डॉक्टरों की ज़रूरत है जो माहिर इल्मुन नफ्स हों और वो बतलाएं कि कहाँ किस मकाम पर किस चीज़ को इसने भुलाने की कोशिश की, इसके तहत शऊर में क्या है, उसको कुरेद कुरेद के निकालते हैं। और आपका डॉक्टर कई निशिस्तें देता है आपको, कई सिटिंग्स होते हैं, जब कहीं जाके वो कुरेद कर वो बतलाता है कि देखिए ये चीज़ छिपी हुई थी आपके दिलो दिमाग में और उसका खौफ गालिब था इसलिए आपकी ये बीमारी है। यानि बातिन इंसान का इंसान के ज़ाहिर को कभी बीमार करे, बातिन इंसान का इंसान के जाहिर को कभी सेहतमंद करे, बातिन इंसान का जाहिर को कभी मसरूर करे, बातिन इंसान का कभी इंसान के जाहिर को गजबनाक करे, यानि सब असर बातिन का है जो जाहिर पर पड़ रहा है। इसके बावजूद अगर कोई बातिन से बेखबर होकर गैब से इनकार कर दे तो खुद वो अपनी हस्ती से इनकार कर रहा है, वो खुद अपनी हस्ती से इनकार कर रहा है, अपने वजूद से इनकार कर रहा है। इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर आप तक यह हदीस पहुंची, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो ऐसी मंजिल पर, ऐसी मंजिल पर जहां नफ्स इंसान का पहचानना इतना मुश्किल है, वो इंसान के जिसकी बुलंदियां बज़ाहिर कुछ नहीं, या चलते फिरते लाखों करोड़ों इंसानों का ये हाल है कि इनके लिए उलूम वज़ा हो रहे हैं कि इनकी गहराइयों में क्या है, तो क्या ख्याल है आपका उस इंसान के मुताल्लिक जिसका दिल वही को कबूल करे। है कोई आप में यह कहने वाला कि हम पर फरिश्ता आता है, हम पर वही आती है, उस दिल की क्या कैफियत होगी कि नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक लितकून मिनल मुनज़रीन, तेरे दिल पर हमने वही को नाजिल किया ताकि तू डराने वाला बन जा। तो ऐसी मंजिल पर वो दिल जो साहिब वही है वो कितना अजमत वाला दिल होगा, वो कितना अजमत वाला बातिन होगा, वो कितना पिनहा राज इलाही होगा। इसलिए हम ज़ियारत जामिया में, जैसा कि मैंने परसों रात में कहा था कि हम इस जुमले को पढ़ते हैं, वो बेहक मन तमन्नकुम अला सिर ही वस्तरआकुम अम्र खल्क ही, बस ए आले मोहम्मद उसका वास्ता जिसने तुमको अपने राज का अमीन बनाया है और जिसने अपनी मखलूक की हिदायत की जिम्मेदारी तुमको दी है। लम्मस्तौहब तुम जुनूबी वकुन तुम शुफाई, तुम अल्लाह
अल्लाह के और मेरे दरमियान जो गुनाह हैं उसके लिए सिफारिश ही बन जाओ और उसकी बारगाह में सिफारिश करो ताकि ये मेरे गुनाह माफ किए जाएं। यानी ये वो लोग हैं जो राजदार हैं, जो अमीन इलाही हैं, जो अल्लाह के असरार के हामिल हैं। इसीलिए आप उनको यूं कहते हैं कि उमनाए वही ही आले मोहम्मद, उसके वही के अमीन हैं, हमलत सिर ही उसके राज के हामिल हैं। तो आपने देखा जो राज इलाही का हामिल हो उसकी गहराइयों का क्या हाल होगा, क्या कोई मामूली इंसान उसको समझ सकता है। तो इस एतबार से आप अपने नफ्स को जब नहीं समझते तो नफ्स रसूल को क्या समझेंगे। नफ्स रसूल को आप क्या समझेंगे कि रसूल के नफ्स का क्या आलम है। आप अपने नफ्स को अभी नहीं पहचान सके, अपने नफ्स की गहराइयों को न जान सके। तो बहरहाल ये वो मंजिल है कि जहां हम इत्तेसाल चाहते हैं, गैब से नजदीक होना चाहते हैं, गैब से नजदीक होना चाहते हैं। वो गैब नहीं कि जहां डॉक्टर्स कोशिश किए जा रहे हैं, जहां मुहक्किकीन कोशिश किए जा रहे हैं, जहां बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स कोशिश किए जा रहे हैं कि इंसान के बातिन की तहकीक करें, नहीं, हम उस गैब की तरफ जाना चाहते हैं, उस गैब की तरफ जाना चाहते हैं जो ईमान की जान है, जो तकवा का दिल है, जो मोमिन की रूह है। हम उस गैब की तरफ जाना चाहते हैं कि जिसमें दवाम है, जिसमें जावेदानियत है, जिसमें हमेशगी है, जिसमें बका है। तो उस गैब से इत्तेसाल, उस गैब से इत्तेसाल के लिए हम कुछ फिक्र करेंगे, हम कुछ फिक्र करेंगे। जाहिर है जब छठी तकरीर आप सुन चुके और मेरी तीन तकरीरें बाकी रह जाती हैं तो इसमें कोई ऐसी फिक्र भी हो कि भाई यह इत्तेसाल कैसा हो, यह इत्तेसाल कैसा हो, आखिर कोई नुस्खा भी तो तजवीज हो कि क्या करना है, क्या करना है। तो इस मंजिल पर जो सबसे अहम बात होगी काबिल जिक्र, वो ये होगी कि अब आप जिस चीज से इत्तेसाल चाहें, जिस चीज से इत्तेसाल चाहें, उसके मिजाज से कुछ हम आहंगी पैदा करने की जरूरत होती है। मैं जुमले को नहीं समझा सका, ये जुमला थोड़ा सा बुलंद हो गया। आप जिस हकीकत से मुत्तसिल होना चाहें उस हकीकत का मिजाज पहले जानें, उसके बाद अपने मिजाज को उस तरह से ढालें ताकि नजदीक हो। और ये ढालना मिजाज का बगैर मवद्दत और मोहब्बत के नामुमकिन है। देखिए यही मकाम है कि जहां आपने बे अख्तियार इस मौके पर यह चाहा कि आप दुरूद पढ़ें। क्यों? फकत इस वास्ते कि आप चाहते हैं कि अपनी तबीयत को ढालें। ज़ियारत जामिया का जुमला, वो जाला सलावात नौ अलैकुम वो मा खसना बिही मिन विलायतकुम तीबन लखल्क़ना व तहारतन लअनफुसना व तस्कियतन लना व कफारतन लज़ुनूबना। ऐ आले मोहम्मद, जब हम तुम पर दुरूद भेजते हैं तो हमारी खिलकत पाक होती है, हमारे गुनाहों का कफारा होता है, हमारी विलादत पाक होती है और हम अपनी बुराइयों को धोते हैं। फकत जब हम तुम पर दुरूद भेजते हैं तो दुरूद एक वास्ता बन जाता है कि हम अपनी फितरत को ढालें और तुम्हारी चौखट तक पहुंच जाएं। जहां हम अपनी फितरत को उस तरह से ढालें और तुम्हारे आस्ताने तक पहुंच जाएं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला
वलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफिनाओएक, सलाम हो ऐ फरजंद रसूल तुझ पर और उन रूहों पर जो तेरे आस्ताने पर तहलील हो गई थी, तहलील हो गई थी, जिन्होंने तेरे मिजाज को पाया था, जिन्होंने तेरे रंग को देखा था और उसके बाद उसी रंग को पसंद किया था। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से कोई और रंग बेहतर नहीं है, कोई और रंग बेहतर नहीं है। तो इस तरह से अब हम इस फिक्र में हैं कि इस उन्वान पर एक शेर हासिल तबसरे के लिए आज रात की तहरीर में फिर वक्त निकालें और ये देखें कि इत्तेसाल बिलगैब के लिए हमको अगर किसी मंजिल पर किसी से मुत्तसिल होना है तो हम में क्या तब्दीली चाहिए, हम में क्या तब्दीली चाहिए। अच्छा, इस सिलसिले में एक आयत याद रखने के काबिल है, बड़ी अहम आयत है, सूरह वाकया की। सूरह वाकया जैसा कि अर्ज किया जा चुका है, कुरान मजीद का 56वां सूरह है, 55वां सूरह सूरह रहमान है, 57वां सूरह सूरह हदीद है और दोनों के दरमियान सूरह वाकया। और इस सूरह वाकया की ये आयत है, इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुरान करीम है, फी किताबिम मकनून, ये कुरान करीम एक छुपी हुई किताब में है। कुरान तो ये है मगर ये किसी छिपी हुई किताब में है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, सिवा ताहिर के कोई उसको मस नहीं कर सकता। देखिए पहली शर्त, है इत्तेसाल बिलगैब के लिए कि अगर किताब मकनून तक जाना है। कुरान तो आपके पास प्रेस में छपता है, कुरान को तो जर्मनी में छापा जाता है। कुरान की तहारत के लिए यह नहीं कहा कि तकवीनी है कि लाजमी तौर पे उसका छाया करने वाला, छापने वाला, हाथ लगाने वाला, जिल्द बनाने वाला, लिखने वाला पाक हो। दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पे यह कुरान छप रहा है, जाहिर है कि किसी की तहारत की जिम्मेदारी नहीं ली जाती। इसलिए यह नहीं कहा कि कुरान करीम को मस करने के लिए मुतहर चाहिए, बल्कि कहा कुरान करीम किताब मकनून में है, किताब मकनून में है जिसको कोई मस नहीं कर सकता मगर इनके मुतहर। इसी से उलमा ने इस्तिनबात किया कि कुरान को जब आप मस करें, तो तहारत रहे। इसी आयत से इस्तिनबात किया कि जिन पर तकलीफ नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जाहिर है कि वो जिस तरह से चाहें कुरान को हाथ लगाएं, मगर आपके लिए शर्त यह है कि आयात को, उसके अल्फाज को, उसके हुरूफ को अगर आप हाथ लगाएं तो इसका ख्याल रहे कि आप पाक हो। तो ये जाहिर कुरान में पाकी शर्त है, जाहिर कुरान में पाकी शर्त है हाथ लगाने की। और जो किताब मकनून है जिसमें कुरान करीम है, वो किताब मकनून जिसमें कुरान करीम है, ला यमस्सुहु, उसको कोई मस नहीं कर सकता, मस नहीं कर सकता। मस की तारीफ, उस तक कोई अपनी फिक्र को नहीं पहुंचा सकता, उस तक किसी का शऊर नहीं जा सकता, उस तक किसी का फहम रसाई नहीं कर सकता, उस तक कोई मोहब्बत नहीं जा सकती, उस तक दावाए मोहब्बत नहीं पहुंच सकता। जब तक के मोहब्बत का दावा करने वाला, जब तक के फिक्र को पहुंचाने वाला, वहम को उस मकाम तक ले जाने वाला खुद पाक न हो,
पाक न हो, ताकि वो किताबे मकनून तक पहुंचने के लिए तहारत शर्त है। ये तकवीनी है, ये तकवीनी है, यहां सिर्फ तशरी नहीं है। लाओ यमसो इल्लल मुतहरून, किताबे मकनून को तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, मस नहीं कर सकता, नजदीक नहीं जा सकता, उसको पहचान नहीं सकता, उसको समझ नहीं सकता जब तक के ताहिर ना हो। कोई शकीय नहीं जान सकता कि किताबे मकनून क्या है। किसी के दिल में शकावत है, वो कैसे जाने किताब मखनून क्या है। किसी के दिल में बौग्ज है, वो कैसे जाने के किताब मखनून क्या है। इसलिए कि बौग्ज, बौग्ज, शिर्क, निफाक, कुफ्र, इल्हाद, ये सब नजासत की सूरतें हैं। यह सब नजासत की कैफियतों के नाम है। इसलिए कोई वहां जा नहीं सकता जब तक के ताहिर न हो, मुतहर न हो। इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबी मखनून ला यमस्सु इल्लल मुतहरून। तो इत्तेसाल बिल गैब के लिए तहारत लाजिम है। तहारत फकत वुजू करने का नाम नहीं है, तहारत फकत गुसल करने का नाम नहीं है, फिक्र को पाक करना है, शऊर को पाक करना है, ख्याल को पाक करना है, दिल को पाक करना है, मोहब्बत को पाक करना है, मवद्दत को पाक करना है। पाक करने के माना यानी अब उसी की मोहब्बत रहे, किसी और की मोहब्बत ना रहे। अब उसी की मवद्दत रहे, किसी और की मवद्दत ना रहे। ये दिल बुतखाना न बने, ये दिल बुतखाना न बने। इस दिल में दुई ना आए कि बस एक ही के लिए दिल है तो उसी का हो जाए। यहीं से तहारत शुरू होती है। इसलिए कि दिल के मुताल्लिक कोई वुजू की सूरत नहीं है, दिल को गुस्ल देने के कोई अहकाम नहीं है। जिस्म के लिए तो है कि ये वुजू कीजिए, गुस्ल कीजिए, या अगर आपके लिए पानी मुजिर है और मजबूरी है तो तयम्मुम कीजिए, मगर दिल के लिए क्या करेंगे। न वुजू है, न तयम्मुम है, न गुस्ल है। दिल की पाकी यही है कि दिल से गैर को निकालिए, दिल से गैर को निकालिए कि गैर आने ही ना पाए, ताकि अपना रहे। यह मंजिल है कि जिसको मैं वादे करना चाहता था इत्तेसाल बिल गैब के सिलसिले में। यह आयत हमारे लिए बड़ी अहम आयत है, और फिर रात की तकरीर में मजीद गुफ्तगु होगी। आज सफर की 17 तारीख है, और जाहिर है कि हमारे पास काम ज़्यादा है, वक्त कम है। एक तरफ आज मज़लूम इमाम की शहादत है, इमाम रज़ा सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि, और दूसरी तरफ चहलुम को 2 दिन बाकी रह गए हैं, गरीबों का चहलुम सामने है। इसलिए मेरा दिल ये चाहता है कि कुछ गुफ्तगु थोड़ी सी मेरे मज़लूम इमाम के मुतालिक हो, जिसको आप गरीबुल गुरबा कहते हैं। गरीबुल गुरबा कहते हैं। इमाम रज़ा मदीने में थे, इमाम रज़ा की इल्मी ज़िंदगी है, इमाम रज़ा से हमने मुख्तलिफ उलूम लिए हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि पैगंबर खुदा के अहादीस को पहुंचाने का काम अमीरुल मोमिनीन के ज़िम्मे था, अमीरुल मोमिनीन के बाद यह काम इमाम हसन के ज़िम्मे आया, इमाम हसन के बाद यह काम हुसैन इब्ने अली के ज़िम्मे आया, हुसैन इब्ने अली के बाद यह काम सैयदुस साजदीन के ज़िम्मे आया। क़ुरबान हमारी जाने इन आकाओं पर कि जिन्होंने इंतहाई मसाइब के बावजूद उलूम नबवी की हिफाजत की, और हम तक वो अहकाम पहुँचाए जो क़ुरान की तफसीर है, जिससे हमको पता चलता है कि सीरत रसूल क्या है, सुन्नत रसूल क्या है। इसीलिए पैगंबर ने कुरान और अहले बैत को छोड़ा था, ताकि अहले बैत मुहाफिज़ सुन्नत बन जाएं, मुहाफिज़ सीरत बन जाएं,
और इस तरह से हर दौर में ज़माने का इमाम मुहाफिज़ सुन्नत व सीरत रसूल रहा है। जब आप मदीने में थे और गालिबन ये 198 हिजरी है या इसके बाद का साल है, तो एक मरतबा मामून ने रशीद ने यह तय किया कि वो अपना दारुल खिलाफा बदल दे। वो खुरासान चले गया और यहाँ ताहिर ज़ुल यमीनैन को बगदाद की हुकूमत दे दी और कहा कि हम वहाँ से अपना नज़्म व नसब जारी रखेंगे, मगर शर्त यह है कि हमारी हिमायत के लिए, हमारी हमदर्दी के लिए और ईरान के रहने वालों की दिल जमाई के लिए कोई सैयद अलवी हमारी हिमायत करे, हमारा साथ दे और वो अफजल तरीन सादात हो, बनी हाशिम का सबसे बेहतरीन इंसान हो। रिजा इब्न अबी ज़हाक को मदीने भेजा एक मुस्तकिल फौज देकर कि पहले इमाम की खिदमत में मारूजा करो, अगर वो न माने तो सख्ती करो, बहरहाल किसी सूरत इमाम को मदीने से ले चलो और ऐसे रास्तों से लाओ कि जो रास्ते मारूफ न हो बल्कि दूर का रास्ता हो, ताकि किसी को पता न चले कि इमाम को यूँ बुलाया गया है। रिजा बयान करता है कि मैं अपने मोतमद आदमियों को लिए हुए मदीना पहुंचा, इमाम की खिदमत में आया, बादशाह का ख़त इमाम की खिदमत में पहुंचाया गया। इमाम ने ख़त को देखा और कहा, रजा हमको न ओहदे की ज़रूरत है, न वली अहदी की ज़रूरत है, न हुकूमत की ज़रूरत है, हम बहरहाल गुरबत में बसर कर रहे हैं, हमारा काम कुछ और है, हम उस फरीज़े को अदा कर रहे हैं। मामून हमको क्यों गरीबुल वतन करना चाहता है, मामून हमको क्यों वतन से बुलाना चाहता है। रिजा ने जबर किया, पहली महफिल, दूसरी मजलिस, तीसरी मजलिस, यहाँ तक के रिजा ने अपना इंदिया जाहिर कर दिया कि फर्जंदे रसूल मामून का हुक्म है कि अगर आप इस तरह से न चलेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको असीर कर लिया जाएगा। यह सुनकर इमाम अपने जद के रोज़े पर आए, रसूल के रोज़े पर आए, उंगलियाँ ज़री है रिसालत पनाही में गाड़ दी और कहा, या जद्दा अब आपने देखा, अब आपने देखा नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि ये धमकी दे रहा है असीरी की, अच्छा मैं जाता हूँ और आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। रिजा बयान करता है कि मैंने किसी की कब्र को इस तरह से वदा करते हुए नहीं देखा कि बार बार ज़रीह का बोसा लेते, दरवाजे तक आते, फिर दौड़ के ज़रीह तक जाते, फिर ज़रीह को बोसा देते, फिर दरवाजे तक आते, फिर ज़रीह तक जाते। लोगों ने अर्ज किया, फर्जंद रसूल ये बार बार क्यों ज़रीह से लिपट रहे हैं? इरशाद फरमाया, इसके बाद फिर नहीं आऊंगा, इसके बाद फिर नहीं आऊंगा। वदा किया अपने जद को, अपने अजीजों को, अपने घर वालों को। इमाम तकी जवाद का सिन 6 बरस का था। गुलाम यासिर को साथ लिया और कहने लगे, बेटा मैं यहाँ से पहले खाने काबा जाऊँगा, अपने अबो जद की सीरत पे चलते हुए तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ हम अपने फराइज को अदा करेंगे और फिर तुम उसके बाद मदीना आ जाना, मैं खुरासान जाऊँगा। बेटा साथ था। इमाम रिजा बयान करते हैं कि मैं तवाफ़ कर रहा था और तवाफ़ के बाद जब मैंने आखिरी मर्तबा पर्दा हरम को थाम के दुआ की और उसके बाद मैंने देखा कि एक मर्तबा ग़ुलाम आया और उसने अर्ज़ किया, फर्जंद रसूल इमाम तकी जवाद मिट्टी पर बैठ गए हैं और ज़मीन से मिट्टी उठा के अपने सर पर डाल रहे हैं। इमाम रिजा पहुँचे और जाके इमाम तकी जवाद को गोद में उठाया, का क्या करते हो बेटा? कहा, बाबा मैंने अभी उस दुआ को सुना जो आप तवाफ के बाद दुआ कर रहे थे, उससे यह पता चल रहा था कि फिर आप खाने काबा को न देखेंगे।
बेटे को गोद में उठा लिया, देर तक रोते रहे, उसके बाद खुदा हाफिज किया और कहा तुम इमाम जादे हो, तुम वही जानते हो जो मैं जानता हूँ। तकिये जवाब, सब्र के सिवा चारा नहीं है, यह रिजाए इलाही है और हमको रिजाए इलाही पर चलना है। सवारी बेटे की मदीने को रवाना हुई, बाप खुरासान की तरफ चला। पहले सवारी बसरा आई, बसरे से अहवाज आए, अहवाज से कुम आए, कुम से नैशापुर आए, नैशापुर से सवारी मरो पहुंची। यहाँ शाहाना तौर पर इस्तकबाल किया। इमाम ने उस पूरे इस्तकबाल का एक ही जवाब दिया कि मुझे बुलाया है तो मैं इल्मी गुफ्तगू के लिए हाजिर हूँ, अगर उलमा मसाइल पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, मगर मैं उमूर ममलिकत में दखल देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जमाना गुजरा, कुछ दिनों के बाद उसने ऐलान किया कि फर्जंद रसूल वली अहद सल्तनत होंगे और मामून के बाद सल्तनत उन्हीं का हक है। इमाम ने कहा कि मामून अल जफर वल जामिया यदुल्लान अला जिद्द जालिक, जफर और जामिया दोनों से यह पता चलता है कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि मेरी मौत तो बहुत करीब है, बहुत करीब है। ये वली अहदी से क्या हासिल है, ये तेरे बाद किसको सल्तनत देने वाला है, और मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। बेअख्तियार उसने कहा फरजंद रसूल, हर मौके पर जब मैं कोई अहम बात आपसे कहता हूँ आप इनकार कर देते हैं, और इसमें शाही की तौहीन है, इसमें हम इस्लाम की तौहीन है। फरजंद रसूल, ऐसा न हो कि कोई सख्त अहकाम आपके लिए जारी कर दिए जाएँ। इमाम ने कहा मामून क्यों धमकी देता है बार बार सख्त अहकाम के जारी करने की, हमको मालूम है इनके जो कुछ तेरे हाथ से होने वाला है, मगर मामून इतना याद रख कि हम वतन से बहुत दूर हैं, हमारे बच्चे वतन में हैं। इस तरह से किसी दीवानगी से कोई काम नहीं चलेगा और हम कभी उमूर सल्तनत में दखल नहीं देंगे, तू ऐलान करना है तो ऐलान कर दे। मामून ने ऐलान कर दिया वली अहदी का, मगर इमाम ने किसी मसले में दखल नहीं दिया, कभी दखल नहीं दिया। मगर मामून के लिए एक अमर तकलीफ देह यह था कि दरबार में मामून आता तो इस तरह से उसकी कदर मंजिलत नहीं होती, मगर जब दरबार में इमाम रिजा आते तो सारा दरबार बेचैन हो जाता, सारा दरबार मुनखलिफ हो जाता, कोई कदमों से लिपट जाता, कोई कदमों पे आंखें रख के रोने लगता। मामून ने एक मरतबा देखा, दो मरतबा देखा, तीन मरतबा देखा, और एक दिन का फरजंद रसूल आखिर वो क्या बात है कि अल्लाह ने आपको ये इज्जत हम पर अता की है, आपको ये शर्फ हम पर अता किया है, हम भी मुसलमान हैं और हम भी बादशाह हैं और हम भी अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से हैं जो हाशिम की औलाद थे। आपने कहा सही है, मगर हम वारिसान किताब हैं, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने वारिस किया है किताब का उनको जिनको हमने अपने बंदों में से मुस्तफ़ा किया। अरे मामून, मुस्तफ़ा होने की दलील ये है कि हम आए तथहीर में हैं, हम आए मुबाहदा में हैं, हम आए मवद्दत में हैं। मुस्तफ़ा होने की दलील ये है कि तुझ पर सदका जायज़ है, हम पर सदका हराम है। मुस्तफ़ा होने की दलील ये है कि तेरी बेटी रसूल पर जायज़ है, हमारी बेटी रसूल पर हराम है। मुस्तफ़ा होने की दलील ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में जिसकी चाहे शफाअत कर सकते हैं, रोज़े क़यामत जिसकी चाहे सिफारिश कर सकते हैं। मामून पर यह अम्र गना गुजरा, यह अम्र गना गुजरा, और इसी तरह रोज जैसे जैसे दिन गुजरते हर वक्त मामून को यह ख्याल होता कि इमाम रजा की कामयाबी और फतह करीब है। सारे उलमा दरबार के इमाम रजा की तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। इमाम रजा ने यही अपना तम को उलमाए यहूद को, उलमाए नसारा को, उन्हीं की किताबों से तौहीद पर, नबुव्वत पर और इमामत पर अजीब तरीन अपने खुतबे सुनाए थे और इनके दिलों को मोम कर दिया था, नरम कर दिया था।
मामून ताब न ला सका। दो ही बरस के अंदर मामून यह सोचता चला कि अब किसी सूरत ऐसा कोई राह रास्ता निकाला जाए कि इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और यह ज़िल्लत पातशाह वक्त को न उठानी पड़े। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला, इमाम भी बाखबर थे, जान रहे थे, मकनूनात का इल्म जिनको था, छिपी हुई बातों को जानने वाले थे, इत्तेसाल बिल गैब की मंजिल पर कामिल थे। इमाम को इल्म था कि क्या हो रहा है कि एक दिन इमाम ने कहा, मामून दो बरस हो गए, क्या ये मुनासिब नहीं है कि मैं कुछ दिनों के लिए मदीना जाऊं? का फरजंद रसूल, कुछ दिनों से ये मैं भी सोच रहा था कि आपको घर छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, आपका बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए सामान्य सफ़र तैयार करूँ और आपको मदीना भेज दूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, मामून अपनी बात पे कायम रहना, अपनी बात पे कायम रहना, अच्छा है अगर मैं जद के रोज़े तक चले जाऊँ। यह कह के इमाम आए और अबू सल्त हरवी को बयान बुला के कहा, अबू सल्त तूने सुन लिया मामून कहता है मदीना भेजने को? वो मदीना नहीं भेजेगा, अब मुझे जहर दे देगा, अब मुझे जहर दे देगा और बहुत जल्द जहर देगा। ये कहते हैं अबू सल्त हरवी कि मैं कांप उठा जब इमाम ने यह इत्तला दी कि इमाम को जहर दिया जाएगा। दो दिन के बाद इमाम ने अबू सल्त हरवी को बुलाया और कहा, अबू सल्त तुम यहीं बैठो, थोड़ी देर में मामून का आदमी आया चाहता है, तुम मेरे साथ चलो, मामून बुलाएगा, मुझे अंगूर खिलाएगा। आए अबू सल्त, अगर मैं अबा को सर पर से डाले हुए आऊं तो खबरदार मुझसे बात न करना, बल्कि मेरे साथ साथ आना, इसलिए कि मैं जाऊंगा सवारी में मगर वापस पियादा पा आऊंगा, सवारी में नहीं आऊंगा। अबू सल्त बयान करता, मैंने फरिया की, मौला ये आलम गुर्बत है, आप अकेले हैं, आपके कोई घर वाले नहीं है, इंतजाम का क्या होगा? मेरा मौला जो रिजन बेकज़ाए ही वो तस्लीम अल्ले अम्रे कहाँ मिलता? उसने तसल्ली दी और कहा, या आपा सल्त घबराने की बात नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी है, यूं ही होगा। थोड़ी देर के बाद मामून का नौकर आया, कहा कि पातशाह वक्त ने सलाम कहा है और ख्वाहिश की है कि फरजंद रसूल इस वक्त आए। चुनाचे इमाम को ज़हमत दी गई, इमाम तशरीफ ले गए। एक अजीब वक्त था, एक अजीब कैफियत थी, इमाम अकेले थे, दरबार में कोई न था, मामून तख्त पर था। इमाम पहुंचते ही मामून ने तज़ीम की, इमाम को तख्त के दाहने जानिब जगह दी, का फरजंद रसूल आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी आबरू हैं। फरजंद रसूल वो जो आपका बयान था और तजवीज़ थी कि आपको मदीना जाना चाहिए, वो मैंने मुकम्मल कर लिया है, अब आपके जाने का इंतज़ाम हो चुका। ये कह के आवाज़ दी ग़ुलाम को कि लाओ वो अंगूर का तबक लाओ, जो मेरे लिए खास अंगूर आए हैं, लाओ। अंगूर का तबक आया, इमाम की नज़र तबक अंगूर पर पड़ी। मेरा इमाम जो बातिन को जानता है, मेरा इमाम जो हर रात को जानता है, जान रहा था कि अंगूर के तबक में से किस हिस्से से अंगूर तोड़े जाएंगे। मामून ने अपने हाथ से अंगूर तोड़े और कहा, फरजंद रसूल ये अजीब अंगूर है, आप खाएं। इमाम ने कहा, मामून मैंने जन्नत के अंगूर खाए, मैंने अपने जद के हाथों से अंगूर खाए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे गुज़िश्ता 3 रोज से बुखार भी आ रहा है, मामून मुझे जबर न कर। उसने कहा, फरजंद रसूल मैं बार बार कह रहा हूँ, जब कोई चीज पेश करता हूँ आप इनकार कर देते हैं, फरजंद रसूल ये अंगूर जरूर खाए। इरशाद फरमाया, मामून तूने तय कर लिया है कि अब मेरे बच्चे यतीम हो जाए, तूने तय कर लिया है कि मेरे बच्चे यतीम हो जाए। मामून अगर तेरी यही मर्जी है तो ये कह के उसके हाथ से अंगूर के 3 दाने लिए, बिस्मिल्लाह कह के पहला दाना मुंह पर, दूसरा दाना रखा,
तीसरे दाने अंगूर को मुंह में रखा और या अली कह के खड़े हो गए। मामून ने कहा फरजंद रसूल कहां का इरादा है? कहा मामून वहीं जा रहा हूं जहां तूने भेजा। मामून वहीं जा रहा हूं जहां तूने भेजा। अबा सर पर से डाल ली, हाजिब ने पर्दा उठाया, सवारी हाजिर थी। इमाम ने इनकार किया सर की हरकत से कि अब मुझे सवारी न चाहिए, मुझे अब सवारी की जरूरत नहीं है। सुकरात के जहर पीने के वाक़े को लोग अजीब अंदाज से बयान करते हैं कि सुकरात जहर पी के टहल रहा था ताकि ये बतलाए कि उसने कितना सब्र किया है। मेरे इमाम ने सवारी का इनकार करके बादशाह के घर से घर तक अपने पैदल आने की जहमत इसीलिए गवारा की कि दुनिया जान ले कि जहर खा के पैदल इसलिए चलते हैं कि जब रास्ता निस्फ हो चुका तो बयान करता है अबू सल्त, मैं देखा कि इमाम के पांव बोझल हो रहे हैं, इमाम के पांव मुतवर्रम हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे पर पहुंचे, जब दरवाजे पर आए मैंने दरवाजे की जंजीर बंद कर दी। इमाम अंदर आए और खामोश एक जगह कुछ देर के लिए खड़े हो गए और उसके बाद घर के फर्श को उलट दिया, मिट्टी पर सजदा किया और कहा बेकसों के वाली, गरीबों के वारिस, मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूं। अबू सल्त हिरवी बयान करते हैं कि इमाम जमीन पर तड़प रहे थे, फर्श को देखा दरवाजे की जंजीर खुद ब खुद गिरी, दरवाजा खुला और एक 8 बरस का बच्चा जिसके सर पर अमामा न था, बाबा बाबा कहते हुए दाखिल हुआ। तू ही इमाम की नजर पड़ी, इमाम ने दोनों बाहें गले में डाल दी, कहा आओ तकिया जवान, आ जाओ बेटा।